ये पंजाब भिजवाना है इतवार वाले दिन इसकी यहाँ से रवानगी है। मैं ये लगे हुए 120 वॉट के, सर ये बॉर्डर का है, बाहर से आया हुआ है, 3G मॉडल है, जेन्युइन कंडीशन पे। 10 इंच पे आप आ जाते हैं तो 100 वॉट का एक है, 5J का मॉडल नंबर होता है सर, चैन बोर्ड, और ये डबल मैग्नेट के अंदर होता है। ये 8 इंच में लगे हुए सर, ये दोनों सेम मॉडल है, दोनों सेम है, सोनी रखे हुए सर, सोनी। उसके अलावा हम आ जाते हैं एम्पलीफायरों पे सर, एम्पलीफायर में देखिए सेंसुई का रखा हुआ है, बेस टेबल वाला मॉडल है, सही है, अच्छा मॉडल है, और दो फ्रंट स्पीकर, दो सराउंड स्पीकर। आप तकरीबन मॉडल से हाई फाई, जिसे हम कहते हैं लास्ट कैटेगरी, जो बहुत हाई फाई होता है, स्टीरियो का भी काम कर रहा होता है, 5.1 का भी काम कर रहा होता है, तो ये मॉडल है सर। इसको जूम कीजिएगा, इसमें 3 वॉल्यूम दिए हुए सर, टेक्निक रखा हुआ सर, 845 बेस टेबल दी हुई है, सराउंड सिस्टम दिया हुआ है इसमें, एक्स्ट्रा बेस दी हुई है। ये बड़े में आप HDMI पे आ जाए, लोग आ रहे होते हैं, बड़ी डिमांड होती है कि लेटेस्ट मॉडल चाहिए, HDMI में चाहिए, तो HDMI में देखें मेरे पास ये पीस रखा हुआ है। छोटे सर बुक शेल्फ हैं, बुक शेल्फ स्पीकर हैं, ये मेरे पास छोटे आए हुए हैं, 130 वॉट का एक स्पीकर है, मिनी स्पीकर है ये सर, ये छोटे स्पीकर हैं, ये भी मेरे पास अभी लाड में आए अभी। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपके काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कोई साउंड सिस्टम की वीडियो बना दें, तो आज मैं इसी हिसाब से आ गया हूँ एक साउंड सिस्टम की ऐसी शॉप पे जहाँ पे हमें एक ही छत के नीचे मुकम्मल साउंड सिस्टम मुनासिब कीमत के और अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। चैनल पे जो आने वाले न्यू दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को दबा लो, वीडियो को आपने देखना है पूरा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, हो सकता है आपके मतलब की भी कोई चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाए। शॉप वाले का एड्रेस और लोकेशन नंबर सब कुछ आगे मौजूद है, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको एड्रेस प्रॉपर गाइड हो सके। वालेकुम अस्सलाम, इमरान भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। इमरान भाई सबसे पहले लोकेशन समझा दो व्यूअर्स को। सर लोकेशन हमेशा की तरह वही बताऊंगा, जैक्सन मार्केट केमाड़ी, और जैक्सन स्कूल के बिल्कुल सामने हमारी शॉप है, शॉप का नाम शाह इलेक्ट्रॉनिक्स, 32 नंबर के नाम से हमारी शॉप जानी जाती है। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह शेयर कर लें। कॉन्टेक्ट नंबर सर 03421294528। इसी पे जो है मतलब व्हाट्सएप और ऑनलाइन डिलीवरी? जी हाँ, इसी पे सब कुछ, इसी पे। ठीक है, इमरान भाई कहाँ से बिस्मिल्लाह कर रहे हैं आज? सर हम आज आपको पावर बूफर से स्टार्ट लेंगे, ये हमारा पावर बूफर है सर, ये पैक किया हुआ, अगर ओपन होता तो मैं जरूर आपको दिखाता, ये मुझे पंजाब भिजवाना है इतवार वाले दिन इसकी यहाँ से रवानगी है। जी हाँ, इतवार वाले दिन यहाँ से जाएगा। और इसके अलावा ये पैनासोनिक के स्पीकर लगे हुए सर 120 वॉट के, सही है, इसमें ये लगे हुए 120 वॉट के, सेम मॉडल है। ये दोनों सेम मॉडल है, ये भी D50, ये भी D50। कितने के? सर ये मैंने कस्टमर से एक्सचेंज में लिए हैं, अगर कोई मुझसे लेने आएगा तो ये स्पीकर मैं दे दूंगा उनको 9000 रुपए के, और यही स्पीकर मेरे पास लाट का रखा हुआ जो कि बाहर से आया हुआ है जेन्युइन कंडीशन में, ये मैं दे दूंगा 14000 रुपए का, ये ओरिजिनल कंडीशन पे होगा, यही फर्क इनमें भी आ रहा है सर, ये बॉर्डर का है, बाहर से आया हुआ है, तो तकरीबन 12000 रुपए तक का पेयर है। इसमें मैंने कस्टमर से एक्सचेंज किया, सेम मॉडल, हालत आपके सामने है, फर्क आप देख सकते हैं। तो इसका भी फर्क मतलब चेंज हो जाता है, हम पॉलिश वगैरह करके क्लीन कर देते हैं, मगर एक चीज जेन्युइन और ओरिजिनल में फर्क होता है। तो ये पेयर 12000 रुपए का, अगर ये कोई कस्टमर मुझसे लेगा तकरीबन 7000 रुपए तक का लगा रही हूँ। इसके नीचे सर ये भी मेरे पास चेंज में आए, मेरी शॉप के गए हुए तकरीबन 2-2.5 साल चलने के बाद रिटर्न आए, मगर उन्होंने इसको काफी रफ यूज किया है और पर्दे वगैरह चेंज कर दिए सर। ठीक है, तो ये भी तकरीबन 7-6.5-7 हजार रुपए तक की रेंज में ये पेयर भी मिल जाएगा। जबरदस्त। इससे नीचे वाले पे चले जाते हैं सर, ये 3G मॉडल है, जेन्युइन कंडीशन पे, तकरीबन 15000 रुपए तक का है। ठीक है, इसमें 10 इंच पे आप आ जाते हैं तो 100 वॉट का एक है, 5J का मॉडल नंबर होता है सर, चैन बोर्ड, और ये डबल मैग्नेट के अंदर होता है, तो ये तकरीबन आपको 20000-22000 की रेंज में जोड़ी मिल जाएगी। और ये 8 इंच में लगे हुए सर, ये दोनों सेम मॉडल हैं, दोनों सेम हैं, बस फर्क इतना है कि ये जेन्युइन पे है और ये भी जेन्युइन पे है, बस इसके मैंने रिंग चेंज करवाए हैं सर। उसकी वजह है कि रिंग जो है इसके गल जाते हैं, तो मैंने इसके रिंग चेंज करवाए हैं, इसके रिंग चेंज नहीं किए। तो अगर किसी कस्टमर की जेन्युइन की रिक्वायरमेंट है तो ये रखे हुए सर, और किसी की अगर रिंग पे एग्री करता है तो फिर ये रखे हुए। प्राइस दोनों के सेम कर दूंगा सर, क्योंकि दोनों चीजें ओरिजिनल पे रखी हुई, ओरिजिनल कंडीशन पे रखी हुई। ये सोनी रखे हुए सर, सोनी तकरीबन 14000 रुपए इनके रेट होते हैं। इसका पर्दा मेरे पास डैमेज आया है, तो खैर अगर आप इसको यूज करेंगे, इस चीज की मेरी जवाबदारी होगी कि ये अगर चलाने में कोई फॉल्ट कर गया तो मैं बैठा हुआ, मैं पीस चेंज करके दूंगा। तो ये इस वक्त मैं आपको 10000 रुपए तक की रेंज में दे दूंगा डैमेज की वजह से। अगर ये जेन्युइन पे होगा तो 140 वॉट का स्पीकर है, और ये मैं 14000 रुपए एक रुपया कम नहीं कर पाऊंगा, तो ये डैमेज है, इस वजह से मैंने रेट डिस्काउंट किए। ठीक है सर। उसके अलावा हम आ जाते हैं एम्पलीफायरों पे सर,
एम्पलीफायर में देखिए सेंसुई का रखा हुआ है, बेस टेबल वाला मॉडल है, सही है, अच्छा मॉडल है। और दो फ्रंट स्पीकर, दो सराउंड स्पीकर आप इस पे यूज कर सकते हैं। ये तकरीबन 8,500 रुपए तक की रेंज में मिल जाएगा। सही है। इसमें ये कैनवुड DG1 IC वाला रखा हुआ है सर, ये तकरीबन 7,500 रुपए तक की रेंज में मिलेगा। 105 वॉट है और IC वाला एम्पलीफायर है। इसमें इससे थोड़ा बेहतर ट्रांजिस्टर वाला ये रखा हुआ है DG7, ये तकरीबन 130 वॉट है और ये तकरीबन 9,500 की रेंज में मिल जाता है। इससे फिर इन तकरीबन मॉडल से हाई फाई जिसे हम कहते हैं लास्ट कैटेगरी, जो बहुत हाई फाई होता है, स्टीरियो का भी काम कर रहा होता है, 5.1 का भी काम कर रहा होता है, तो ये मॉडल है सर। इसको जूम कीजिएगा, इसमें 3 वॉल्यूम दिए हुए सर, ये लिखा हुआ है सराउंड वॉल्यूम, सेंटर वॉल्यूम और ये मेन वॉल्यूम, ये 5.1 की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये 7J का मॉडल है और ये आखिरी का लास्ट मॉडल है 7J, जिसे हम हाई फाई कहते हैं। तो सर ये मेरे पास लाट का पीस है, ये 20,000 रुपए से 1 रुपए कम में मैं किसी कस्टमर को नहीं दूंगा। अगर कोई कस्टमर की 7J की डिमांड है और वो मुझसे ये मांगता है तो मैं सर इसमें मेरे पास रिपेयर किया हुआ भी पीस है, अच्छा। वो मैं 13,000 रुपए में दे दूंगा। पर 13 में और 20 में फर्क आपने चॉइस करना है, क्योंकि एक चीज जेन्युइन पर है और एक चीज रिपेयर पे, तो क्वालिटी में भी फर्क अप डाउन मिलेगा सर। तो कस्टमर आते हैं अक्सर ये कह रहे होते हैं कि यार आप हमें 7J का एम्पलीफायर 20,000 का दे रहे हो, पीछे हमें 13 का मिल रहा है, 14 का मिल रहा है। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स से कि वो पीस की कंडीशन के ऊपर देखें, ध्यान दें कि जेन्युइन पीस क्या है और रिपेयर किया हुआ पीस क्या है। बिल्कुल। इसमें से अगर कोई पीस मुझसे आप खरीदते हैं 20,000 रुपए का और इसमें कोई चीज काम नहीं करती, कोई ऑप्शन काम नहीं करता, तो उसकी जवाबदारी मेरी है सर, क्योंकि ये मैं ओरिजिनल की गारंटी पे पीस दूंगा जिस कस्टमर को दूंगा, तो मेरी जवाबदारी है। आप ले जाएं घर चलाएं, चेक करें, कोई एसेसरील काम नहीं कर रही, कोई बेस टेबल काम नहीं कर रहा, कोई सिलेक्शन काम नहीं कर रहा, तो मैं कस्टमर को रिटर्न पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ मेरे पीस में। और इसके अलावा सर ये सेंचुरी का मॉडल लगा हुआ है, ये भी अच्छा मॉडल है, दो स्पीकर चलते हैं सर इसमें, ट्रेबल बेस का ऑप्शन दिया हुआ है, सुपर बेस का ऑप्शन दिया हुआ है, तकरीबन 8,500 रुपए तक की रेंज में। अगर हम थोड़ा इससे बेहतर पे जाते हैं तो टेक्निक रखा हुआ सर, 845 बेस ट्रेबल दी हुई है, सराउंड सिस्टम दिया हुआ है इसमें, एक्स्ट्रा बेस दी हुई है, ये तकरीबन 9,000 रुपए तक का है। फिर इसमें सर ये 5.5 रखा हुआ है, बिल्ट इन इक्वलाइजर वाला बेस ट्रेबल भी है इसमें, ये तकरीबन 12,000 रुपए तक की रेंज में मिल जाएगा। इससे थोड़ा सा लो कंडीशन में जाते हैं इक्वलाइजर के अंदर ही, तो इसमें भी अपना 7 बैंड का इक्वलाइजर दिया हुआ है और माइक दिया हुआ है सर, बैलेंस वॉल्यूम दिया हुआ है, बाकी इको जैस रॉक वगैरह के फंक्शन दिए हुए हैं, तो ये तकरीबन 9,000-9,500 रुपए तक की रेंज में मिल जाते हैं। फिर इससे थोड़ा सा लो पे जाते हैं तो ये विक्टर रखा हुआ है सर, विक्टर के अंदर कोई बेस टेबल नहीं होती, ये तकरीबन आपको 6,000-7,000 रुपए की रेंज में मिल जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई सर। फिर ये बड़े में आप HDMI पे आ जाए, लोग आ रहे होते हैं, बड़ी डिमांड होती है कि लेटेस्ट मॉडल चाहिए, HDMI में चाहिए, तो HDMI में देखिए मेरे पास ये पीस रखा हुआ है, ये HDMI में जरूर रखा हुआ, मगर इसकी HDMI वर्किंग नहीं करेगी। उसकी वजह ये बता रहा हूँ कि सर इसमें नमी या धूल पड़ जाती है तो सिस्टम काम करना छोड़ देता है। फिर अक्सर दुकानदार हो गए या हम अपने पैसे ही कहते हैं कि इनका जब HDMI का पोर्ट काम नहीं कर रहा होता तो सर इनकी प्राइस में फर्क आना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त समझ लें हमने इसका HDMI का कनेक्शन बायकॉट किया हुआ है, बिल्कुल खत्म किया हुआ है, ये सिर्फ फ्रंट के 2 स्पीकर चलाएगा, जो इसमें 7.1 का ऑप्शन है वो नहीं चलेंगे, जैसे कि बैक सराउंड, सेंटर स्पीकर, सराउंड स्पीकर, वूफर, कोई चीज नहीं चलेगी। जिस भी कस्टमर को दूंगा बता के दूंगा, चेक करा के दूंगा, बात की कोई गारंटी वारंटी होती नहीं। इसके अलावा ये जितने मॉडल हैं सर, ये सारे बाहर के यूज किए होते हैं, इनकी गारंटी वारंटी हमें नहीं मिलती, हम आपको नहीं दे सकते, ना हम अपने व्यूअर्स को दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि चीज को सेल करने के लिए या अपनी पब्लिसिटी के लिए हम गारंटी भी दे रहे हैं, हम वारंटी भी दे रहे हैं, और जब कंप्लेन आ रही है तो हम फिर उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये बेकार की बात हो जाती है सर। अपना भी टाइम वेस्ट होता है, उनका भी टाइम वेस्ट होता है, और हमारा तो खैर टाइम कैसे वेस्ट होगा, हमारा काम ही यही है, उनके लिए ख्वारी हो जाती है, इतना दूर से आ रहे होते हैं, परेशानी हो जाती है। तो सर ये आज की वीडियो में मुझे बताना था सारी, बस बाकी आप देख लें। डिस्काउंट वगैरह सर, डिस्काउंट तो हर दफा की तरह जो कस्टमर चैनल के रेफरेंस से आएगा 2,000 रुपए डिस्काउंट है और मैंने दिए, बेशक आप मैंने दिए। अगर कोई कस्टमर कहता है कि मैंने नहीं दिए, उनसे कॉपरेट नहीं किया, तो आपकी जूती मेरा सर है सर। ये छोटे सर बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ स्पीकर है, ये मेरे पास छोटे आए हुए हैं, 130 वॉट का एक स्पीकर है, मिनी स्पीकर है, तो ये कोई कस्टमर अगर यूज करना चाहे तो ये डबल फायदा दे सकते हैं। अगर कोई सराउंड के तौर पे लगाए तो सराउंड पे भी काम आएंगे, और कोई फ्रंट पे चलाना चाहे तो फ्रंट पे भी काम आएंगे, मगर फ्रंट सर मिनी सिस्टम के फ्रंट पे काम आएंगे, ये नहीं कि बड़े के फ्रंट पे, क्योंकि बड़े का जो फ्रंट है वो कम से कम 8 इंच का पर्दा मांगता है, और इसको आप इनके सराउंड पे यूज कर सकते हैं और मिनी के फ्रंट पे यूज कर सकते हैं। 130 वॉट का एक है, तकरीबन 7,000-7,500 रुपए सर मैंने इसके प्राइस रखे हैं, और बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन पे। सही है, जबरदस्त।
और ये वाले? ये सर ये छोटे स्पीकर हैं, ये भी मेरे पास अभी लाड में आए, अभी मैंने इसको चेक वगैरह नहीं किया, तकरीबन 7-7.5 हज़ार रुपए इनके भी रेट है। अच्छा, इनके भी 7-7 हज़ार? जी जी हाँ, सही है। एक बार इसके भी प्राइस बता दो भाई। ये तो सर बस वही नायाब सी चीज है, मैंने पहले भी बताया था आपको, अभी भी बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन की जगह से हिला रहा भी नहीं हूँ कि ये जो समझेगा वही हाथ डालेगा। अच्छा। जी हाँ, ये एक नायाब आइटम होता है सर। तो ये कितने के पड़ जाएंगे? सर ये 12,000 रुपए के मैं फाइनल दे दूंगा। जी हाँ, अभी रेट थोड़े से डाउन हुए थे, 15,000 रुपए हमने इसकी डिमांड रखी थी, तो जाहिर सी बात है रेट में फर्क आया, तो ये 12,000 रुपए तक 12 के फाइनल। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, ठीक, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।